उचित दर विक्रेता के खिलाफ राशन कार्ड धारकों ने घटतौली व चीनी कम देने की शिकायत की है। उचित दर विक्रेता ने कहा, प्रधान द्वारा झूठी शिकायत कराई गई है। करहल तहसील क्षेत्र के गांव अड़हूपुर में उचित दर विक्रेता विनोद प्रजापति द्वारा राशन कार्ड धारकों को कम राशन देना अत्यंत अंत्योदय कार्ड में मिलने वाली चीनी में रुपए अधिक लेने की शिकायत ग्राम प्रधान सुषमा यादव ने राशन कार्ड धारकों के साथ आकर उप जिलाधिकारी गोपाल शर्मा के समक्ष समीक्षा भी की है। राशन कार्ड धारक मनीषा का कहना है कि उचित दर विक्रेता हमारे राशन पर राशन कम देता है। शकुंतला का कहना है कि हमें उचित दर पर विक्रेता ने अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाली चीनी कम दी है। वहीं उचित दर विक्रेता मनोज प्रजापति का कहना है, ग्राम प्रधान द्वारा हमें धमकाया जाता है और हर महीने फ्री में राशन पहुंचाने को कहा जाता है, उसको लेकर मैंने प्रधान जी से मना कर दी है, इसलिए झूठी शिकायतें मेरी करवा रही हैं। पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उचित दर विक्रेता विनोद कुमार की घटतौली की शिकायत ग्राम प्रधान व राशन कार्ड धारकों में कार्यालय आकर शनिवार को की गई है। गांव में जाकर जांच कर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो उचित दर विक्रेता पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को लिखकर जिला मुख्यालय भेज भी दी जाएगी। कहां की रहने वाली हो? अच्छा, तहसील आई हो, क्या मामला है? कौन है राशन डीलर? राशन डीलर कौन है? विनोद। अच्छा, क्या बात है, कम देता है क्या? कम देता है। चीनी कितनी मिली आपको? पहले इन्हें 700 ग्राम एक एक किलो दही, और अब इन्हें 2.5 किलो दही। कितनी कम दी चीनी? 5 किलो मिली। 2.5 किलो मिली, और कुछ पैसे भी दिए? पैसे 100 रुपया दही। नाम में? हाँ, क्या नाम पति जाती है? धनी राम। कहाँ की रहने वाली? तहसील आई हो, क्या मामला है? राशन कम देते हैं, और क्या मामला है? कौन है डीलर का नाम? क्या है किनका नाम? डीलर का विनोद। कब से दे रहा है? पहले भी कम दी थी चीनी, अभी भी कम दी है। चीनी कितनी दी इस बार? अभी 1.5 किलो दी है, पहले भी 1.5 किलो। कुछ पैसे भी दिए? 100 रुपये दिए कम से। कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला है? जो ये चीनी कम दी है, अभी दे 1.5 किलो, और राशन दे तो 5 किलो कम है। हम दो ही जना लेके दो हमारे लेके ना ही लड़का बहू। जो पैसे भी लगे चीनी के, कितने रुपए दिए? 100। कौन राशन डीलर है? हा? राशन डीलर कौन है? विनोद। विनोद कब से दे रहा है कम? पहले वो भाई थी तब तो सही दे, तो अब कैसे फिर कम दे लगे। कहाँ की रहने वाली? अड़ूपुर की। क्या मामला है आपका? यही मामला है, राशन कम मिलता है। कौन कम देता है? डीलर और को दिए। नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद कुमार डीलर। कब से दे रहा है? जब से वो अबे जब आपसे पूछ रहे, जब आप नाम बताओ, जोर बोलो। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या मामला है आपके यहाँ? राशन से कम मिलता है, 15 रुपये में 10 रुपये मिलता है। कभी शिकायत की आपने किसी से? जिसमें लो डीलर राशन बहुत कम देता है, चीनी के अवगत में हम लोगों को जानकारी नहीं थी, जब जानकारी करी तो चीनी 1 किलो 700 ग्राम दे रहा है, 2 किलो की बजाय 3 किलो 3 किलो 100 रुपये। डीलर राशन भी 4 और 5 किलो कम दे रहा है हर व्यक्ति को, और जब ज़्यादा का ये अभी चीनी पर इन्होंने 100 रुपये और लेना शुरू कर दिया। जिस किसान किसी जनता ने हमने विरोध किया तो क्या तुम्हारा राशन कार्ड देंगे? ये हमको धमकियां दे रहा है, और शिकायत कर लो तो किस करोगे, मुख्यमंत्री तक कर लो, हमको कोई डर नहीं बोल। मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ। सर, एक मामला है अड़ूपुर का राशन डीलर का, क्या मामला है? विक्रेता के विरुद्ध चीनी कम दिए जाने एवं खाद्यान्न कम दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जाँच की जाएगी, यदि विक्रेता दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। चीनी पे बता रहे बढ़ती पैसे भी लिए, 100-100 रुपए ले रहे। हाँ, उसकी भी शिकायत प्राप्त थी, शिकायत की जांच होगी, यदि उसने कहीं से दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि राशन भी कम देता है। हाँ, तो उसके बारे में भी प्राप्त, खाद्यान्न कम देता है। मामला है राशन डीलर का गाँव में कम देने, क्या मामला है? मामला घटतौली करता है, और चीनी जो 3 किलो आई थी पिछले महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, उसमें उसने 1 किलो 700 ग्राम दी। जब मैं वहाँ प्रत्यक्ष पहुँची तो वहाँ मीडिया को बुला के हमने तौल कराई, तो उसमें 1 किलो 700 ग्राम दी।
जब इससे प्रश्न किया तो बोला हमको ऊपर से कम मिलता है, पैसे की भी शिकायत आ रही है, पैसे की अब की बार आई है जो तीन महीने की अब आई है मार्च में, उसमें इसने लोगों को डरा धमका के 100-100 रुपए ले लिए हैं सबसे। प्रश्न जैसे लोगों ने किया क्यों ले रहे हो, तो कहता बहस ना करिए, गाली गलौज पे आमादा हो जाता है और कहता है हम तुम्हारा राशन कार्ड कटवा देंगे। अच्छा, आप तहसील आई हैं शिकायत करने, क्या कहना चाहिए? तहसील इससे पहले मैं 13 तारीख को शायद ये एप्लीकेशन दे चुकी सब जगह, जिलाधिकारी, जिला आपूर्ति विभाग, SDM सर और शायद मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी रजिस्ट्री की है। उसी अभी तक एक महीने से ज़्यादा हो गया टाइम, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मुझे दोबारा से जनता का एक भाई एक समूह लेके आना पड़ा। अब देखते हैं आगे, उम्मीद तो कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से क्या होता है। कि आप राशन कम देते हैं, चीनी कम देते हैं और 100-100 रुपए लिए, क्या है ये पूरा? ऐसी कोई बात नहीं है सर, जो राशन मिलता है जिनको जितना, 2 किलो गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से, 3 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से, वो ही इनका फिंगर लगा के उतना ही राशन देते हैं जिनका जितना बनता है सर। 3 किलो चीनी अंत्योदय पे मिलती है, वो 3 किलो इनको चीनी देते हैं, 18 रुपए से जो इनके 54 रुपए बनते हैं। आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? कमीशन पे काम कर रहे हैं। जो 20 लोग यहाँ आज आए हैं शिकायत, इन लोगों को तो साहब ये गुमराह करके लाए इन लोगों, ये आवास वाले तुमको डीलर के खिलाफ चलिए तो मैं आपको आवास देगा, अंत तुम्हारी आवास कटवा दी। कुछ लोग कहते डीलर के खिलाफ चलिए तो तुमको देंगे, हम पैसों से भी नहीं देंगे आवास में।